दोस्तों आप लोग लोन लेके डिफॉल्ट हो गए हो, आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप लोगों का डर जो है खत्म नहीं हो रहा है, तो आज बल्कि अभी आप लोगों का डर खत्म करने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों का डर जो है लास्ट तक आप लोगों का डर पूरी तरीके से खत्म कर देने वाला हूं इस वीडियो से। तो वीडियो पूरा एंड तक वॉच करें। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर मानो आप लोग डिफॉल्ट करते हो, कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, या फिर क्रेडिट कार्ड का हो या फिर बैंक का हो, आप लोगों को डर जो है मन के अंदर होता है, आमतौर से होगा ही, डर होगा क्योंकि आप लोग डिफॉल्ट कर गए हो। डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है, लेकिन डर किस बात का लगता है कि भाई एजेंट्स जो है अब हैरेस करेगा, जिना हराम कर देगा, बैंक वाला जो भी एनबीएफसी से लोन लिया वो जो है जिना हराम कर देगा। क्या करूं अब, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मैं पेमेंट कर नहीं पा रहा हूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है, आप लोगों को पता है, तो आप लोगों के मन के अंदर डर आता है क्योंकि वो एजेंट्स जो है आप लोगों को गाली गलौज कर रहा है, या फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे जाके आपके घर वालों को फोन कर रहा है। सबसे मेन दिक्कत अभी के टाइम में यही हो रहा है, फर्जी लोन एप्लीकेशन जिस तरीके से, जो सेवन डेज लोन चाइनीज लोन आपको पता था, जो कि प्ले स्टोर से गायब हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो जिंदा है, ठीक है, लोगों को हैरेस कर रहा है, पूरी तरीके से जो है खत्म नहीं हुआ है। तो सेम तरीके का जो है टेक्निक्स ये लोग अपना रहे हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे जाके आपका गंदा पिक्चर्स भी अपलोड करना चालू कर दिया है। तो यहां पर डर जो है आपके मन में होगा कि पैसा नहीं है, कंपनी पैसा भी मांग रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ टाइम लगेगा मुझे पैसा जुगाड़ करने में, लेकिन कंपनी जो है मेरा बात सुन ही नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, कंपनी कभी किसी का बात नहीं सुनेगा, कंपनी को पता है आप लोग विलफुल डिफॉल्टर हो और आप लोग जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहे हो। कंपनी का थॉट्स यही है, सभी जो भी डिफॉल्टर्स है यहाँ पे, आप लोग जेन्युइन डिफॉल्टर हो या फिर जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कंपनी आप लोगों को देखेगा कि आप लोग जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहे हो, विलफुल डिफॉल्टर हो आप लोग, कंपनी यही सोचता है आपके बारे में। आप लोग अगर वहां पे टाइम मांगने के लिए जाते हो तो क्या करेगा कंपनी, कंपनी आपको टाइम देगा? कंपनी आपको ट्रस्ट ही नहीं करता, ट्रस्ट अगर करता तो आप लोग टाइमली पेमेंट कर देते। उनका सोच यह है, भाई ट्रस्ट क्यों, कैसे करूं, अभी पेमेंट नहीं कर रहे, अब बाद में टाइम दूंगा तो तब पेमेंट कैसे करेगा। कंपनी का सोच यही है, इसीलिए आप लोगों को टाइम नहीं देता है। लेकिन हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि आपको टाइम लेना है तो खुद से टाइम लीजिए, कंपनी आपको टाइम कभी नहीं देगा, कंपनी तो टाइम देगा ही नहीं। आप लोग सोचो कि आप लोग एजेंट से बात करके आप लोग बोलते हो कि टाइम दे दो सर प्लीज, अब एजेंट वो 2% का चवन्नी छाप एजेंट, उसको सर बल्कि आप लोग उसको रिस्पेक्ट करते हो, वो आपको टाइम देगा? वो खुद जो है अपने टाइम से बंधा हुआ है, कंपनीज के थ्रू जो है अपने कमीशन के बेसिस में काम करता है। तो यहां पर आप लोगों को एजेंट से बात करने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। सर से जो है वो लोग जो है ज्यादा रिस्पेक्ट उनको मिल जाएगा, रिस्पेक्ट मिल गया तो भाई वो आपके सर पे चढ़ेगा, तो जैसा आदमी होगा उसको उसी तरीके से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। एजेंट्स जो होता है वो थर्ड पार्टी एजेंसीज का होता है, बैंक्स का होता नहीं है, एनबीएफसी का खुद का होता नहीं है, वो थर्ड पार्टी एजेंसीज के साथ बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई इतना जो है पेमेंट हमारा फंसा हुआ है, तुम लेके आओ, उसके बेसिस में कमीशन लेके जाओ। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, कैसे भी करके आप लोगों से पैसा लेने के लिए कुछ भी कर डालते हैं, कुछ भी। उन लोगों के पास ये भी अथॉरिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है इस तरीके का काम करते हैं, घर जाके गाली गलौज करना, आस पड़ोस जाके वहां पे चिल्ला चिल्ली करना, आपका प्राइवेसी लीक करना। लेकिन आरबीआई के गाइडलाइंस क्या है कि किसी का प्राइवेसी वहां पे लीक नहीं कर सकता। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पे सबमिट किया है वो लोगों को दिखा रहे, भाई देखो लोन लिया है इसने, ये चोर है, इसने अभी तक पैसा वापस नहीं किया, प्राइवेसी लीक किया, आरबीआई का गाइडलाइंस ये फॉलो नहीं कर रहा है। आप लोग क्यों फॉलो कर रहे हो सब कुछ, आप लोगों को भी यहां पे जो है अपना खुद का तरीका अपनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं, उसके अलग और भी तरीका है। आप लोगों को जो है ये बोल रहा हूं कि अगर आपको पेमेंट करना है, आप पेमेंट करना चाहते हो, 2 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल बाद आप पेमेंट करना चाहते हो, कंपनी कभी आपको समय नहीं देगा, लेकिन एजेंट आपको हैरेस करेगा, तो आपको वहां पे करना क्या है, बोलना है एक ही चीज। अगर कुछ भी गलत सलत आपके साथ करता है तो आपको एक ही चीज बोलना है, तुम एक काम करो, तुमको जो करना है करो, तुम जहां पर जाना चाहते हो जाओ, मेरे ऊपर केस करो, जो करना है करो, मैं एक फूटी कड़ी देने वाला नहीं हूं। आपको पेमेंट करना है, लेकिन एजेंट को तो पेमेंट करना नहीं ना, आपने ऑनलाइन से लिया है, ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है, अब एजेंट होता कौन है आपको इस तरीके की चीजें बोलने वाला। तो यहां पर आप लोगों को एजेंट से इसी तरीके से बात करना है, अगर कुछ गलत बोलता है तो ठीक है, अगर मानो कि अच्छे से आपसे बात किया तो कोई बात नहीं, अगर गलत से वो अपना जो भी औकात दिखा देता है तो आप लोग भी जो है अपना तौर तरीका अपनाना,
वीडियो तो रिकॉर्डिंग करना ही है क्योंकि एजेंट आपके घर पे आएगा, तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है मस्ट है, वो आपको प्रूफ एज ए प्रूफ वहां पे देखना पड़ेगा, वहां पे आप लोगों को दिखाना दिखा सकते हो। बैंकिंग ऑम्बड्समैन में आप वहां पे कंप्लेंट कर सकते हो वो प्रूफ देके कि देखिए एजेंट्स जो इस तरीके का गंदा चीजें कर रहा है। अगर प्रूफ नहीं रहेगा तो एजेंट के बारे में आप किस तरीके से कंप्लेंट करोगे? आप किसी के बारे में बोलोगे, बोलोगे भाई ऐसा किया ही नहीं मैंने, ये गलत बोल रहा है, तब आप उल्टा फंस जाओगे। तो प्रूफ हमेशा आप लोगों के पास रखना पड़ेगा, और वो प्रूफ है आपका फोन। फोन से हमेशा रिकॉर्डिंग करते हुए आपको बात करना है, इससे क्या होगा आपके पास प्रूफ रहेगा। वो फोन देखेगा तो वो घबरा जाएगा, वो बोलेगा भाई ये बंदा जो है ये कुछ अलग तरीके का बंदा है, इसको मैं डरा नहीं पाऊंगा। इसलिए वो क्या करेगा, वो फोन के सामने ज्यादा से ज्यादा जो है आपको बोलेगा कि भाई फोन खींचने का कोशिश करेगा, ऐसा ऐसा चीज करेगा। तो ये भी आप लोगों के फोन में कैप्चर होगा, ठीक है ना। तो फोन पे बात करते हुए बोलना है आपको कि आप एक काम करो, टाइम दो, फोन पे बात करना है, ठीक है, टाइम दो, मैं पेमेंट कर दूंगा। टाइम तो नहीं देगा, बोले अभी इसी वक्त पेमेंट करना है। फोन का रिकॉर्डिंग ऑफ करो, फिर बोलना है कि भाई तुमको जो करना है करो, एक पैसा मैं नहीं देने वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लिया किस तरीके से तुमने बात किया और मैंने किस तरीके से बात किया, आपका जो भी बर्ताव है वो आपको वहां पे रिकॉर्डिंग करना नहीं है, लेकिन उनका जो बर्ताव है वो रिकॉर्डिंग करना है। इससे क्या होगा, स्ट्रांग होगा जो भी चीज है, जो एविडेंस होगा वो स्ट्रांग होगा। तो इसी तरीके से जो है एजेंट से बच सकते हो। अब फोन कॉल्स जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे चला जाता है, आपको वहां पे सबसे मेन चीज, इलीगल तरीके से काम कर रहा है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग जो है ये क्राइम है, किसी का फोन हैक नहीं कर सकता। आप तो रेफरेंस में नंबर देते हो ना, वहां पे दो तीन आदमी का नाम देते हो, या फिर आपका दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली का कोई भी मेंबर एक दो हो सकता है, लेकिन आपके फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट पे लगभग वहां पे 50 अगर नंबर है, 50 लोगों को कॉल जाता है। कैसे जाता है, तो फोन हैक किया ना उन्होंने, वो बोलेगा नहीं आपका नंबर दिया था, और वो लोग आप लोगों के बारे में इस तरीके से बात करेगा, बोलेगा आपका नंबर दिया था इसलिए मैं आपका फोन कर रहा हूं। जब भी इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होगा, सिंपल तरीके से आपको अगर कोई भी आपका रिलेटिव्स या फिर कोई भी आपको फोन करता है इस तरीके का कि आपके नाम के कोई फोन कर रहा था, आपने पैसा नहीं चुकाया, तो बोलना है कि आपका फोन हैक हो चुका है, आपने कोई लोन नहीं लिया था वहां से, ठीक है, आप लोगों के साथ इलीगल हो रहा है, आपको भी थोड़ा सा जो है इलीगल वे में काम करना है, ठीक है। पेमेंट करना है वो अलग है, लेकिन एजेंट से बचना कैसे वो आप लोगों को बता रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को वहां पे लोग जज करेगा कि आप लोग गलत हो, आप लोगों ने जानबूझ के उनका नंबर दिया है, वो लोग नहीं समझेगा। आप लोगों को सिंपल तरीके से साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना है कि आपका फोन हैक हो चुका है, और वो जो है कॉपी आपको सभी को दिखाना है। व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाल सकते हो, अगर कोई फोन करता है तो उनको एज ए टेक्स्ट आप भेज सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, टेक्स्ट पर भी जो है मल्टीमीडिया एसएमएस जाता है अभी के टाइम में। तो ये चीज आप करो तो आप लोगों को जो है ये सब मुसीबत झेलना नहीं पड़ेगा, और एजेंट से डरना बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ आपको इस तरीके से डराएगा कि आप लोगों को लगेगा कि भाई और कोई अदर्स ऑप्शन है ही नहीं, पैसा कैसे भी करके देना पड़ेगा। कल मैंने एक कमेंट में देखा कि बोला कि भाई बजाज का जो है एजेंट इस तरीके से बात करता है, इस तरीके का घटिया लोग है, वो आपका किडनी बेचकर भी पैसा लेगा। घटिया है वो मान रहा हूं, लेकिन इतना भी पावर नहीं उनके पास कि भाई वो आपका किडनी बेच दे या फिर आपका घर का सामान उठा के लेके जाए। अगर आप नहीं डरे तो किसको डराएगा, आपको भी वहीं पर जो है डर जो है खत्म करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है इससे मुकाबला कर सकते हो। नहीं तो अगर देख लिया भाई ये बंदा डर रहा है, डर गया सो मर गया। आप लोगों को पता है बात जो है ये सच है, जो डर जाता है वही जो खत्म हो जाएगा। डर अगर नहीं होगा आपके मन में तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर डिफॉल्टर हो, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम खुद से लो, पेमेंट कर दो, बात खत्म। पेनल्टी लगा रहा है लगाने दो, एट द एंड आपका पेनल्टी भी वेव ऑफ कर देगा, 100% वेव ऑफ करेगा। जब तक वेव ऑफ ना करे, पेनल्टी लगा रहे लगाने दीजिए, वो खुद से वेव ऑफ का ऑप्शन देगा आपको कि आप पेमेंट कर दो। अब पेमेंट करूंगा ही नहीं, तुमको वेव ऑफ लगाना है तो लगाने दो ना, लगा रहो। अगर कोई भी केस कर रहा है तो वहां पे आपको एक मेल करके रखना है, आपको हमेशा अपनी तरफ से प्रूफ रखना है। अब प्रूफ क्या है कि मानो आपका पेनल्टी लग चुका है, आप पेमेंट करना चाहते हो, अब मानो पेनल्टी लगा रहा है, आप बोल रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो फोन के थ्रू, और वो क्या कर रहे हैं, मान नहीं रहे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। अगर मानो बाय चांस आपका अमाउंट 5000 से चला गया 50000, कोई भी केस कर देता है तो इतना अमाउंट ओवरड्यू है, तो प्रॉब्लम आपको होगा, आप प्रूफ नहीं दिखा पाओगे। फोन पे रिकॉर्डिंग कोई यहाँ पे एक्सेस नहीं करेगा, बोले भाई मैंने बात ही नहीं किया, तो डायरेक्ट कंपनी को मेल कर दो कि मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, प्लीज जो भी पेनल्टी है उसको वेव ऑफ कर दो। आपके पास प्रूफ रहेगा कि आप जो है कंपनी को बोला था कि पेमेंट जो है वेव ऑफ कर दो, लेकिन कंपनी सुना नहीं, आप पेमेंट करना चाहते हो, आपके मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखो कि हमेशा जो है आप लोग अपनी तरफ से साफ रखो चीज, उसके बाद आप लोग जो करना है करो, ठीक है, ताकि आप लोगों के खिलाफ अगर कोई भी एविडेंस लाता है वो लोग,
आप लोग भी उल्टा उनका जो है उल्टा आप लोग एविडेंस वहां पे दिखा सकते हो। ये सब चीजें जो है आप लोग ध्यान में रखो, तभी आप लोगों को जो है कोई भी एजेंट एनबीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड वाले डरा नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों का हमेशा रहूंगा। आप लोगों को पता है हर रोज मैं 2-3 वीडियोस डालता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मुसीबत से निकल पाओ, आप लोग भी जो भी मुसीबत में फंसे हुए हो इसे निकल पाओ। इसीलिए आप लोगों के लिए हर रोज वीडियोस लाता हूँ, ताकि आप लोगों के मन के अंदर जो डर है वो टोटली जीरो हो जाए और होकर ही रहेगा, मैं आप लोगों को दावे के साथ बोल रहा हूँ। दोस्तों आई होप कि एंड तक आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आपके मन के अंदर डर अगर 90% था तो वो कम करके यहाँ पे 20-25 के आसपास हो गया होगा या फिर टोटली जीरो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कितना डर कम हुआ है आपका, कितना आप लोग डरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके बाद आपके मन के अंदर जो डर है वो खत्म हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।